वाकया है कर्बला, कोई कमेंट्री नहीं है। जो मैंने लफ्ज कहा है आप समझ गए, ये एक हकीकत है, वो हकीकत जिसने मुझे और आपको आज ईमान दिया है। इमाम पाक की कुर्बानी, अब इस पर कुछ एतराज होते हैं। अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने इमाम की कुर्बानी समझने की बजाय बहस करना शुरू कर दिया। तरह तरह के लोग आए। 1986 का वाकया है, 1986। हजरत तो टाइम का कोई मसला तो नहीं? लाहौर में एक शख्स, उसने यजीद की हिमायत में तकरीर की। मैं उसका नाम लेकर आपकी इस मुबारक महफिल को आलूदा नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहलाता था, बड़ी मेहरबानी अगर आप जानते। तीन दिन लाहौर में कर्फ्यू लगा, हंगामा हुआ। मैं गुनाहगार उसके दरवाजे पर गया। कोई अपनी शान बयान करना मकसद नहीं है, ईमान तहदी से नेमत। उसको जाके सिर्फ दो जुमले कहे, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, तू यजीद का हामी है, मैं इमाम का गुलाम हूं। मोची दरवाजे पर दो कढ़ाइयां तेल भर के रखी जाए, नीचे तीन दिन आग जलाई जाए, तेल अच्छी तरह खौल जाए, एक में तू छलांग लगा, एक में मैं लगाता हूं। जो बच जाए वो सच्चा, जो मर जाए जल जाए वो झूठा। मेरा मौकिफ इमाम की सदाकत, तेरा मौकिफ यजीद की हिमायत आ मैदान। वो मर खप गया, मैं आपके सामने मुझे इनाम मिला। जिस वक्त ये ऐलान किया, ठीक एक महीने के बाद मैंने ख्वाब देखा। दो दिन के बाद मैंने उमरा पर जाना था। मैंने ख्वाब देखा, एक शख्स मुझे आवाज दे रहा है। मेरे करीब आया, उसने सिर्फ इतना कहा, कब तुझे इमाम पाक में बुलाया है। इतना ख्वाब, कोई और बात नहीं उसमें। मैंने उसी वक्त, वीजा नहीं देते थे ग्रुप के सिवा, मुझे वीजा भी मिला, इमाम के दर की हाजिरी भी मिली और इमाम ने मुझे नवाजा भी। वो बात बताने की जरूरत नहीं, मैं को ख्वाब सुना के आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, वो मेरे और रब के दरमियान राज है।